आप देख रहे हैं अपना समाचार। सबसे पहले मेरे दर्शकों को आपके अपनी पूनम का प्यार भरा नमस्कार। और आज हमारी फिल्म क्रोध का मुहूर्त हुआ है और फिल्म का कॉन्सेप्ट जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है कि एक्शन ड्रामा है और रोमांस भी भरपूर होगा क्योंकि हॉट के कंजना सिंह और पूनम दुबे हैं। तो अच्छा लगा रवि जी के साथ, ये मेरी कम से कम 8वीं 9वीं फिल्म है। राहुल जी के साथ ये मेरी सेकंड फिल्म है, फर्स्ट गिरफ्तार थी, सेकंड क्रोध है, तो बहुत अच्छा होगा। अच्छा, फिल्म में प्रमोद त्रिवेदी जी है, रितेश पांडे जी है, प्रमोद जी के साथ आपने मुन्ना मवाली किया है और रितेश जी के साथ शायद पहले गिरफ्तार किया है। कुछ कहना चाहेंगे दोनों हीरो के बारे में? दोनों फिलहाल अभी है नहीं, दोनों फिलहाल यहाँ पे नहीं है। दोनों बहुत ही अच्छे एक्टर हैं, नहीं बहुत ही अच्छे सिंगर हैं और अच्छे एक्टर हैं और दोनों के साथ मैंने काम किया है, दोनों के साथ अच्छा तजुर्बा रहा है और दोनों अपने काम को लेके डेडिकेटेड हैं। पूनम, बहुत सारी एक्ट्रेसेस हैं जो भी सिंगिंग में अपना कदम रख रही है, पूनम का कब कौन सा गाना आने वाला है? पूनम पैदाइशी सिंगर है सॉरी पूनम पैदाइशी सिंगर है, वो अपने बाथरूम में बहुत अच्छा गाती है, घर पे खाना बनाते वक्त बहुत अच्छा गाती, उससे ज़्यादा उसको गाने का शौक़ नहीं है। कभी ऐसा रिक्वायरमेंट हुआ तो करूँगी, शौकी का मुझे आने का कोई मन नहीं है, मैं अपनी एक्टिंग में बहुत खुश हूँ। अच्छा पूनम, और कौन कौन सी फिल्में हैं जो आने वाली हैं आपकी? जी मेरी आने वाली रिलीजिंग को फिल्में हैं दुश्मन सरहद पार के, गिरफ्तार, देश प्रेमी और दिल तेरा आशिक, मिली तो मिली ना तो जय सी आराम, एक समा दो परवाना। जी उसमें भी मेरे साथ प्रमोद जी हैं और हसीन खान करके एक एक्टर हैं, कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा है और स्टोरी भी डिफरेंट है थोड़ा, तो वो भी अच्छा लगेगा। उसके डायरेक्टर रितेश ठाकुर जी हैं। पूनम, आप काफ़ी सारे शोज बिहार में करती है, इन दिनों बिहार जाना काफ़ी खतरा हो रहा है, कलाकारों पे पत्थरबाजी हो रही है, हमले हो रहे हैं, अब डर लग रहा है जाने? नहीं, बिल्कुल नहीं लग रहा है डर, क्योंकि हमें मुझे नहीं पता कैसे हमले हो रहे हैं, क्या है, कुछ तो ऐसा इशू होगा फिलहाल, क्योंकि हमें जब हमें वहाँ के ऑडियंस, वहाँ के ऑर्गेनाइज़र बुलाते हैं तो उतनी ही सेफ्टी प्रोवाइड करते हैं, उतना ही ऑडियंस हमें प्यार करती है, उनको अच्छा लगता है कि उनके भूमि का इंसान जो उनके लैंग्वेज के लिए काम कर रहा है वो उनके बीच है, तो एक अलग ही स्टारडम होता है। अभी आप मुंबई में निकल जाइए, कोई भोजपुरी एक्टर को नहीं जानता है। बेसिकली हमें स्टारडम और सेलिब्रिटी का जो फील होता है वो बिहार और यूपी में ही नज़र आता है, और मुझे ऐसा नहीं लगता, मुझे इतना पता है कि यूपी बिहार में बहुत सेफ हूँ। कुछ कहना चाहेंगे फैंस को? अपने दर्शकों को यही बोलूँगी कि आप पूनम दुबे पे और भोजपुरी इंडस्ट्री पे ढेर सारा प्यार और आशीर्वाद बनाए रखिए, हम कोशिश करेंगे कि अच्छे कॉन्सेप्ट पे काम करें जो आप फैमिली के साथ बैठ के देख सकें, हम भी मजबूर हैं, डायरेक्टर प्रोड्यूसर बोलते हैं कि कुछ मसाला नहीं डालेंगे ये तो बिकेगा नहीं, उसमें अगर हम भी थोड़े बहुत मसाला मस्ती करते तो उसके लिए सॉरी। चलिए, थैंक यू सो मच।